एवरीवन वेलकम बैक टू एनिमेशन ट्रेल। पिछले वीडियो में मैं सूरज कुंड मेले में था, ये वीडियो भी मैं वहीं पर हूँ। जैसे मैंने कहा था, पिछला वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए आई हैड टू स्विच टू द सेकंड वीडियो। सिर्फ चौपाल वन और चौपाल टू मैंने घुमाया था। ये जो पीछे दिख रहा है ये चौपाल टू है, और जस्ट इसके पीछे में ऑपोजिट में अगर आप डाउन हिल आते हो, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी के ऊपर है, तो यहाँ पे बहुत सारे अप हिल और डाउन हिल आपको दिख जाएंगे। तो ये पीछे इंटरनेशनल क्राफ्ट्स वाला सेक्शन है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। नेशनल वाले सेक्शन में घुसने से जस्ट पहले ही यहाँ पर इंडियन सेक्शन भी है। कुछ वॉल पेंटिंग्स वगैरह बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर वॉल हैंगिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, टोपियाँ, ये सब भी लगी हुई है ना। जहाँ पे ये छोटे छोटे ये लैम्प्स हैं एक्चुअली, लेकिन ऊपर में सारे इंडियन आर्टिफैक्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं यहाँ पर लगाई गई, और अंदर में सारे लैम्प्स हैं। बहुत सुंदर सुंदर ये एक सेक्शन बहुत सुंदर लगा। ये सारे मैट हैं पैर पोछने के लिए, और इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। आप देखो अलग अलग शेप्स और डिज़ाइंस में, गोल गोल शेप में भी, और बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन में भी। ये सारे मैट्स हैं और कुछ वॉल हैंगिंग्स भी हैं यहाँ पे। भी बहुत सुंदर लगा, वॉल हैंगिंग्स या फिर वॉल पेंटिंग्स यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर लगी हुई है, और सारी बहुत सुंदर अलग अलग शेप्स और डिज़ाइंस के। पे चलता जा रहा हूँ और एक से एक चीज़ मुझे दिखती जा रही है। एक छोटा सा हट बनाया हुआ है, हट के अंदर कि आप देखो कारीगरी, बस देखो। मैं दूर से देख के हैरान रह गया। अगर मैं जूम करके देखूँ, जो डिज़ाइन है इंट्रिकेट डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे कारीगरी, यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स ये सारे बने हुए हैं। और ये आप देखो यहाँ पे इतने सारे, पीछे में भी बहुत सारे हट्स बने हुए हैं। फूड कोर्ट भी है पीछे, दिखाऊंगा यहाँ पे। रास्ते में चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ ये सुंदर सुंदर लड़कियों के स्टॉल्स वगैरह। इस तरफ भी देखो मिट्टी के आइटम्स। ये पूरा का पूरा एक पूरा छोटा सा गांव बसाया गया है। इंटरनेशनल वाला सेक्शन वहाँ पर है नीचे, वहाँ चलते हैं। एक छोटा सा स्लाइड है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ये पहाड़ के ऊपर है या पहाड़ी के ऊपर है, तो यहाँ पर अपहिल डाउन हिल आपको बहुत ज़्यादा छोटा मोटा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ये छोटा सा यहाँ पर डाउन हिल ट्रैक, और इसके आगे इंटरनेशनल वाला सेक्शन। लेट्स गो। फाइनली बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल वाले सेक्शन में। आगे में एक सुंदर सा मोर बना हुआ है। इधर एक अलग दरवाज़ा बना हुआ है गुजरात का। एक इतना ही सुंदर गेट, फव्वारा, सब कुछ। और इस तरफ है इंटरनेशनल वाला सेक्शन। हम गुजरात वाले सेक्शन में भी घुसेंगे यहाँ पर इस तरफ। अभी हम चल रहे हैं सबसे पहले इंटरनेशनल वाले सेक्शन में। ये एक बहुत बड़ा सेक्शन होने वाला है, लेट्स गो। और यहाँ पर कुछ फोक आर्टिस्ट यहाँ पर अभी परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी लगातार यहाँ पे जगह जगह पर बहुत सारे फोक आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म करते ही जा रहे हैं। हरियाणा अपना घर, एक इतना सुंदर एक छोटा सा हट बनाया गया है। यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाए गए हैं, और इस तरफ पूरा गेट देखो, ये पूरा रास्ता जा रहा है दोनों तरफ। यहाँ पर झांकियाँ लगी हुई हैं, पुलिस बहुत ज़्यादा हैं, विदेशी बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पर। इस तरफ एक बहुत ही सुंदर ये भी गेट लगाया गया है, और शायद यहाँ पे कुछ स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम। यहाँ पे एक छोटा सा पोडियम बनाया गया है, यहाँ पे कुछ कल्चरल परफॉर्मेंस भी हो रहा है। बहुत सुंदर मंच, ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेज में। पहले यहाँ पे देखते हैं, फिर चलते हैं इंटरनेशनल क्राफ्ट्स वाले सेक्शन में।
ये है किर्गिस्तान का, और यहाँ पर आप देख सकते हो किर्गिस टोपियाँ और वहाँ के डॉल्स, सुंदर सुंदर जूते चप्पल वहाँ के, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर ये डॉल्स इतने सुंदर, ये सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। और किर्गिस्तान के भी बहुत सुंदर सुंदर हैंडमेड ये सारे वॉल हैंगिंग्स हैं, और ये सारे कपड़ों के बने हुए हैं। अगर मैं एकदम नज़दीक से दिखाऊँ, लुक एट द एम्ब्रॉयडरी, और ये सारे किर्गिस्तान से लोग आए हुए हैं वहाँ पर, और ये सारे हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट। ये वाला स्टॉल है इथियोपिया का, और यहाँ पर इथियोपिया के कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स, इस तरफ मैं आगे दिखाऊँ, बहुत ही सुंदर सुंदर बैम्बू के बने हुए, और वहाँ के स्कार्फ्स, कलरफुल शर्ट्स, यहाँ पे स्कार्फ्स वगैरह मिल रहे हैं। कलर एक गेट है तंजानिया को डेडिकेटेड, क्योंकि इस बार का हमारा गेस्ट कंट्री है तंजानिया, सूरजकुंड मेले में, लेट्स गो इनसाइड। और गेस्ट कंट्री तंजानिया का यहाँ पर स्टॉल, यहाँ पे वहाँ के ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, ड्राई फ्रूट्स, कलरफुल शर्ट्स वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं, और इस तरफ स्टॉल्स, स्कार्फ्स, आगे देखो वॉलेट बहुत सारे मिल रहे हैं, शॉल्स वगैरह, और इस तरफ वहाँ के जो बड़े बड़े ओवर साइज्ड शर्ट्स हैं ये सारे मिल रहे हैं तंजानिया के, और इस तरफ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो वहाँ से इंपोर्ट करके लाई गई हैं। स्टॉल मुझे सबसे सुंदर लगा, ये सीरिया का स्टॉल है, ये जितने भी लाइट्स दिख रहे हैं हैंगिंग लाइट्स, ये सारे मेटल के बने हुए और ग्लास के। इसमें से छोटा वाला दिख रहा है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ये जो ब्लू वाला है ये 1500 का है, और उसके ठीक बगल में जो बड़ा वाला है ये 2300 का है, लेकिन अगर आप दो लेते हो तो वो बोल रहे हैं इसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा। ये सारे हैंगिंग बल्ब्स हैं, बीच में एक छोटा सा बल्ब है, लेकिन ये सारे ग्लास से और मेटल से बना हुआ है, तभी इतना ज़्यादा सुंदर चमक रहा है। और ये जो महिलाएं हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बेलारूस को, सुंदर सुंदर बांस से आप लाइव देख रहे हो ये बना रहे हैं, और ये जितने भी डॉल्स हैं ये सारे बांस के बने हुए हैं, बेलारूसियन डॉल्स, और ये लेडी अभी लाइव आपके सामने बना रही है, अमेजिंग। और ऊपर में बहुत सारे स्कार्फ्स भी दिख रहे हैं, लेकिन सबसे सुंदर लग रहा है यहाँ पे लाइव बना रहे हैं, इन्होंने जो सर पे बना हुआ है, जो ताज पहना हुआ है, ये भी सारे बांस के बने हुए हैं, सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल ये स्टॉल बेलारूस का। एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ये सारे जो हैंगिंग बल्ब्स हैं ये तुर्की से हैं, और ये मैंने प्रगति मैदान में भी देखा था, बहुत सारे डिज़ाइन में जितने भी बल्ब्स दिख रहे हैं ये सारे तुर्की के हैं, दीज आर अगेन वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइन लाइट बल्ब्स। मेरी जर्नी सूरजकुंड मेले की यहीं पे ख़त्म होती है, पीछे तुर्की का स्टॉल है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, तंजानिया इज़ द गेस्ट कंट्री फॉर 2024 इस साल का। बहुत सुंदर लगा मुझे बेलारूसियन जो छोटे छोटे बैम्बू स्टिक से बनाए गए जो जितने सारे आर्टिफैक्ट्स हैं बहुत सुंदर लग रहे थे। बांग्लादेश, आर्मेनिया, बुल्गेरिया, रशियंस, अब बहुत सारे गेस्ट कंट्रीज़ हैं जिनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बहुत सारे हैं, तो ऐसी जगह मैं घुमाता रहूँगा। अगर आप आते हो 18 तारीख तक, अगर आप दिल्ली में हो 18 फेब तक, तो ज़रूर यहाँ पर आओ, यहाँ पे सूरजकुंड मेला पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़े एरिया में, आपको पूरा दिन निकाल के लाना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे पूरा घूम पाओगे। तो ऐसे ही प्यारी प्यारी जगह मैं घुमाता रहूँगा, टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, ऑलवेज स्टे फिट एंड कीप चैनल।